ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। समय हो रहा है 6:08। ठीक है, किसी को कुछ पानी वानी लेना तो फिल्टर पीछे लग गया। ठीक है, अच्छा तो क्या करें, क्या करें बताओ, क्या करें? फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, और क्या करें? कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हम लोग पढ़े थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उस पे हमने ये सीखा कि हम लोग इंटरेस्ट क्यों पे करते हैं। हम लोग इंटरेस्ट इसलिए पे करते हैं बिकॉज पैसे के साथ में क्या है, एक रिस्क फैक्टर है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, एंड वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर टाइम। एंड इंटरेस्ट इसीलिए पे किया जाता है इन ऑर्डर टू कंपेंसेट फॉर द लॉस इन द वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, चीजें महंगी हो रही हैं, परचेजिंग पावर धीरे धीरे करके कम हो रहा है। उसके बाद में हमने देखा सिंपल इंटरेस्ट, जिसका अदर नेम इज कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। उस पे खाली प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अगर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा तो वो कौन सा बन जाएगा, इफेक्टिव या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद में हमने देखा जीरो कूपन बॉन्ड, एक ऐसा लोन अग्रीमेंट जिसमें शुरू में हमको कुछ पैसा देना पड़ रहा है और एंड में हमको ज्यादा पैसा मिल रहा है, उसमें रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता है। दीज बॉन्ड्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। फॉर एग्जाम्पल, अगर फेस वैल्यू मान लो 1 लाख है, तो जिसके पास में वो बॉन्ड होगा 5 साल बाद उसको 1 लाख मिलेगा, और आज उस बॉन्ड का वैल्यू कितना है, 50,000, 60,000, 70,000। और जो एक्स्ट्रा जो हो रहा है वो एक बार में जो पेमेंट कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, हमने देखा कंपाउंड डिस्काउंट और सिंपल डिस्काउंट। सिंपल डिस्काउंट का जो फॉर्मूला था, प्रेजेंट वैल्यू इज व्हाट, AV1 - ND। कंपाउंड डिस्काउंट का जो फॉर्मूला इज व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू इज AV1 - D^n। ठीक है, हमने देखा टाना टूनी, कोई भी सम ऑफ मनी जो आज है उसको फ्यूचर में लेके जाना कंपाउंडिंग, और कोई भी सम ऑफ मनी जो फ्यूचर में है उसको टान के प्रेजेंट में लाना, दिस इज डिस्काउंटिंग, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। हमने देखा डी, जो कि बोलते हैं डिस्काउंट का रेट, एंड वी इज डिस्काउंट फैक्टर। ठीक है, एक पैसा जो टाइम 5 पे खड़ा है, सब लोग फॉलो करो, सब लोग फॉलो करो, एक पैसा जो टाइम 5 पे खड़ा है उसको टान के अगर अपने 0 पे लाएंगे, पैसा जो टाइम 5 पे खड़ा है उसको टान के अगर अपने 0 पे ला रहे हैं, एंड इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 5% का, 5। ठीक है, तो 1 साल पीछे लेके आएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1.05 से। 2 बार पीछे लेके आएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 बार, 4 बार, 5 बार। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक सबको ठीक है? ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, अब ये सब तो ठीक है, जल्दी आओ, ये सब तो ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि 2% पर क्वार्टर, कैलकुलेटर, 2% पर क्वार्टर इज 8% पर एनम अप्रोक्सीमेटली। इफेक्टिवली इट्स व्हाट, 1.02 टू द पावर 4 - 1। एक सा एक क्वार्टर आगे लेके जाने का फैक्टर क्या था, 1.02, 2 क्वार्टर 1.02 का स्क्वायर, 3 क्वार्टर टू द पावर 3, 4 क्वार्टर टू द पावर 4। ठीक है, तो हमने ये देखा था व्हाट इज आई टू, व्हाट इज आई टू, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्टिबल हाफ ईयरली। ठीक है, डी टू इज नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट कन्वर्टिबल हाफ ईयरली। ठीक है, यहां तक सबको ओके, एकदम कोई भी दिक्कत नहीं है यहां तक? हमने देखा था आई 0.5 / 0.5, 2 साल का इफेक्टिव रेट है। आई 0.5 / 0.5, 2 साल का इफेक्टिव रेट है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है एकदम? अब एक बात बताते हैं,
हम लोग क्या कर रहे थे, पहले साल में एक बार कंपाउंडिंग, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, ऐसे करके जाते जा रहे थे, ठीक है। एंड अभी क्या हो गया, डेली कंपाउंडिंग हो गया, पर आवर कंपाउंडिंग हो गया, पर सेकेंड कंपाउंडिंग हो गया। अब इतना बार कंपाउंडिंग हो रहा है एक साल में कि उसको एक टाइम लाइन में प्लॉट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एक कॉन्स्टेंट बेसिकली फोर्स है जो मेरा फंड को ग्रो करने पे मजबूर कर रहा है, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग हो रहा है, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग हो रहा है। टाइम पीरियड इतना छोटा हो गया है कि अब उस चीज को टाइम लाइन में प्लॉट करना संभव नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आई इंफिनिटी मतलब क्या, हर सेकंड कंपाउंडिंग, हर सेकंड। शेयर मार्केट में पैसा डालो, शेयर मार्केट में पैसा डालो, वो देखो 90, 90.5, 91, 89, 89.2, तो हर सेकंड आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वो बात का चीज है, लेकिन हर सेकंड रिटर्न्स मिल रहे हैं। अ फोर्स कॉजेज अवर फंड टू ग्रो, एक ऐसा फोर्स जो मेरा फंड को ग्रो करने पे मजबूर कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ इंटरेस्ट या फिर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। आई इंफिनिटी होता है, इसी का जो सिग्नेचर है इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। हम लोग क्लास 11 में जो लोग भी लिमिट्स पढ़ा है, लिमिट्स लिमिट्स पढ़ा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। 20 नंबर का जो टॉपिक है ना, वो आज के क्लास से आएगा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 20 मार्क्स CM1 का पेपर में 20 मार्क्स आज का क्लास से आएगा। कंटिन्यूअस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी 1 + x/n होल टू द पावर n इज e टू द पावर x, इसको बोलते हैं यूलर्स थ्योरम, ठीक है। मैं अब क्या कर रहा हूं, मेरा जो फ्रीक्वेंसी है, बात नहीं करो, मेरा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग है अब वो बहुत बार हो गया है, माने द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग p, याद है कल अपने किए थे 1 + ip/p होल टू द पावर p, सबको याद आ रहा है 1 + ip/p होल टू द पावर p, ये किए थे ना। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग है मतलब एक साल में कितना बार कंपाउंडिंग हो रहा है, वो क्या ट्रेंड कर रहा है, इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी ट्रेंड कर रहा है ना, क्योंकि अब तो हर सेकंड कंपाउंडिंग हो रहा है, तो पी इज टेंडिंग टू व्हाट, इन्फिनिटी। तो अपने क्या कर रहे हैं, उसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, उसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अपने करेंगे लिमिट पी टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + ip/p होल टू द पावर p इज व्हाट, ई टू द पावर, क्या होगा बताओ। अब देखो ये है ना, अब देखो क्या हो रहा है, पी टेंस टू, मेरा बात सुनो, पी टेंस टू वॉट, पी टेंस टू इंफिनिटी ई टू दी पर आई पी करेंगे, बट पी स्टेंडिंग टू वॉट, ठीक है ना। तो ये जो ई टू दी पर आई इंफिनिटी है, तो आई इंफिनिटी को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से, विच इज द फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, विच इज द फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट ई टू दी पावर डेल्टा। मेरा बात एकदम ध्यान सुनना, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है। ई टू दी पावर डेल्टा इज नथिंग बट वो एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर है, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग के केस में वो एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर है। क्या है वो, अक्यूमुलेशन फैक्टर है, एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर है। मेरा बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, सबको क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ कि ना, ठीक है। अब मेरा बात ध्यान सुनो, सुनते चलो, सुनने का पैसा दिया है, ठीक है, लिख तो घर पे भी सकते, इतना पैसा सिर्फ सुनने का दिया है, ठीक है, सुनते चलो, ठीक है। पी टेंड्स टू इन्फिनिटी, पी क्यू इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, पी क्यू इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग इज टेंडिंग टू व्हाट, इन्फिनिटी। लिमिट पी टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + ip/p होल टू द पावर पी इज व्हाट, ई टू द पावर आई इन्फिनिटी। अपने ऊपर वाला फॉर्मूला से नीचे वाला डेराइव किए हैं, ऊपर वाला फॉर्मूला कहां से आए, भांड में जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर वाला फॉर्मूला कहां से, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, इसको यूज करके अपने ये निकाले हैं। काम का बात समझो, काम का बात ये है कि अगर फोर्स ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में बोलेगा तो ई टू द पावर डेल्टा करना है, और कुछ नहीं करना है। फोर्स ऑफ इंटरेस्ट अगर क्वेश्चन में बोलेगा, एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर ई टू द पावर डेल्टा, 2 साल का ई टू द पावर 2 डेल्टा, 3 साल का ई टू द पावर 3 डेल्टा, एंड सो ऑन। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो p tends to infinity 1 + ip/p whole to the power p, तो उससे अपने limiting करके इसको निकाले हैं, and 1 + ip/p whole to the power p is what, एक साल का क्या है बताओ ना, एक साल का क्या है, accumulation factor है ना। तो basically इसको अपने क्या बोल सकते हैं, 1 + i, मतलब जब annual effective rate of interest बोलेगा तो 1 + i करेंगे, जब force of interest बोलेगा तो e to the power delta करेंगे। is it clear to all of you, इसको copy कर लीजिए।
ठीक है। हाँ अब यही, अगर अपने को डिस्काउंट फैक्टर निकालना है, डिस्काउंट फैक्टर, ठीक है, तो ई टू द पावर माइनस डेल्टा इज व्हाट, 1 ईयर डिस्काउंटिंग फैक्टर, ई टू द पावर डेल्टा इज व्हाट, 1 ईयर अक्यूमुलेशन फैक्टर, ठीक है। तो अगर मान लो मैं बोलता हूं डेल्टा दिया हुआ है 0.08, ठीक है, और अपने को एन दिया हुआ है 10, तो अपने 10 साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर निकालना चाहते हैं। A0 to 10, A0 to 10 इज द नोटेशन फॉर 10 ईयर्स अक्यूमुलेशन फैक्टर, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 0.08 × 10, ये अपना क्या है, 10 साल का फैक्टर है। जो पैसा आज खड़ा है उसको 10 साल बाद, उसको 10 साल आगे फेंकने का फैक्टर है, कितना आ रहा है बताइए, कैलकुलेट करिए इसको, कैलकुलेट करिए इसको कितना आ रही है। हाँ टू पॉइंट 225, ठीक है। अब बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन तुम लोग से पूछेगा, बोलेगा आई दिया हुआ है 5% का, डेल्टा निकाल के बताइए, तो बहुत सिंपल है, 1.05 इज वॉट ई रेस टू द पावर डेल्टा, तो दोनों तरफ लॉग ले लो, और पूरा एक्चुअल में हम लोग नेचुरल लॉगरिदम लेंगे, मतलब ln, ln का मतलब होता है लॉग का बेस में ई, ln का मतलब होता है log का बेस में e, ठीक है ना। तो ln 1.05 इज वॉट डेल्टा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। मेरा बात सुनो, ये आगे पीछे करने वाला चीज जो समझ जाएगा ना भाई, उसको और कुछ दरकार ही नहीं है, उसको और कुछ भी दरकार नहीं है, बहुत सिंपल आगे पीछे करने वाला चीज है और कुछ भी नहीं है। देखो हम बेसिक चीज एक बताते हैं, देखो मान लेते हैं अक्यूमुलेटेड वैल्यू तुमको दे दिया है 800, ठीक है, तुमको बोल दिया है ये जो पैसा है ये टाइम 10 पे खड़ा है, ठीक है, तुमको इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है टाइम 2 पे, और तुमको डेल्टा दे दिया है 8% का, तो तुम क्या करेगा, 8 साल खींचेगा, टाइम 10 पे जो पैसा खड़ा है उसको टाइम 2 पे लाएगा ना, तो कितना साल खींचेगा, 8 साल खींचेगा, तो 8 साल खींचने का मतलब क्या है बताओ, 800 ई टू दी पावर माइनस 0.08 × 8, 8% फोर्स ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 800 को 8 साल खींचेगा, ठीक है ना, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू। हाँ 421.8339, ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोग को, ठीक है। अब एक चीज समझो, अभी तो मैंने बोला कि ये जो फोर्स ऑफ इंटरेस्ट है ये कांस्टेंट है, बट ये फोर्स ऑफ इंटरेस्ट ना हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे इंटरेस्ट रेट है, आरबीआई क्या करता है, रेट कट करता है, रेट हाइक करता है, ठीक है, जैसे कोविड के टाइम पे इंटरेस्ट रेट कम हो गया था, फिर धीरे 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 करके बढ़ाया, बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.01%, माने एक, फॉर एग्जांपल आरबीआई हाइक्स 25 बेसिस पॉइंट्स, 25 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.25% से रेट बढ़ा है, कट डाउन बाय 0.5%, मतलब 50 बेसिस पॉइंट्स, बेसिस पॉइंट 1 बेसिस पॉइंट इज 0.01%, 0.01%, ओके। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई करता है 15 बेसिस पॉइंट्स का हाइक, मतलब 0.15% का हाइक है, मैंने अगर पहले 8 था अभी 8.15% हो गया, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अब देखो एक चीज, मैं बोला फोर्स ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है, वो चेंज होता है, बिकॉज विद टाइम इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, तो डिपेंडेंट किस पे है, टाइम पे है ना, तो फोर्स ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो टाइम के साथ में चेंज होता है, और जो चीज टाइम के हिसाब से चेंज होता है, तो मेरा फोर्स ऑफ इंटरेस्ट अब डेल्टा नहीं रह गया, अब वो बन गया डेल्टा टी, डेल्टा टी,
डेल्टा टी का मतलब क्या है लिखो, फोर्स ऑफ इंटरेस्ट इज नाउ नॉट कॉन्स्टेंट बट इट हैज बिकम अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। माने जैसे जैसे टी चेंज होगा वैसे वैसे मेरा डेल्टा टी भी चेंज होगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। डेल्टा टी मान लो है 0.02 प्लस 0.01 टी। अब जैसे जैसे टी चेंज होगा वैसे वैसे डेल्टा टी चेंज होगा। अब इस केस में जब मेरे को अक्यूमुलेशन फैक्टर निकालना होगा ना, तो मेरा समेशन नहीं चलेगा, अब मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बिकॉज समिंग ओवर अ डिस्क्रीट रेंज इज वॉट, समेशन, बट समिंग ओवर अ कंटिन्यूअस रेंज इज वॉट, इंटीग्रेशन। समझा? तो अब अपने क्या करेंगे ध्यान से देखो पहले, अब अपने क्या करेंगे ध्यान से देखो पहले, एक बार ध्यान से देखो। मान लो अपने को निकालना है a 0 से 5, इसी का बता रहा हूँ, अक्यूमुलेशन फैक्टर निकालना है। तो कल तक अगर मान लो फोर्स ऑफ इंटरेस्ट अपना जो था, फोर्स ऑफ इंटरेस्ट अपना था मान लो 2% का, तो अपने क्या कर रहे थे, e टू द पावर 0.02 प्लस 0.02 ऐसे ऐसे करके कर रहे थे ना 5 टाइम्स, तभी तो अपना आ रहा था ना 0.02 इंटू 5। बट अभी वो चीज नहीं चलेगा। अब क्या करेंगे, जो चीज e का पावर में है ना, अपने क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल लिख के नीचे लिख सकते हैं। माने ये है e का पावर में, बट लिखने का तरीका है, नहीं तो e का पावर में बहुत कंबरसम हो जाएगा। तुम e तो लिखेगा बड़ा और बाकी सब पावर में लिखेगा छोटा छोटा, इसीलिए exp लिख के तुम नीचे लिख सकता है उसको। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, जो पैसा टाइम जीरो पे है उसको क्या करेंगे, टाइम फाइव पे लेके जाएंगे। जो पैसा, आई रिपीट, जो पैसा टाइम जीरो पे है उसको अपने फाइव पे लेके जाएंगे। सब मेरे साथ साथ, जो पैसा टाइम जीरो पे है उसको अपने फाइव पे लेके जाएंगे। एंड अपने क्या करेंगे, डेल्टा टी का इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, तो अपने क्या कर रहे हैं, डिस्क्रीट में क्या कर रहे थे सम, कंटिन्यूअस में अपने क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। इज इट क्लियर? अब मैं आपको एक पूरा सम पूरा प्रॉपर सॉल्व करके दिखाऊंगा, कोई पेन नहीं उठाएगा। ठीक है, ध्यान देना। एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन 0 से 5 0.02 प्लस 0.01 टी होल इनटू डीटी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक्सपोनेंशियल हो गया। अब देखो 0.02 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो डीटी का क्या हो जाएगा, टी, और टी का फिर वैल्यू पुटिंग करेंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 0 व्हिच इज व्हाट, 5 प्लस 0.01 टी डीटी का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2, तो डिवाइड में आएगा 2 इनटू 5 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब अंदर वाला पार्ट को पहले सॉल्व करिए और फिर e का पावर में लिख दीजिए और सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। पहले अंदर वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर पूरा चीज को e का पावर में लेके जाएंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल मतलब क्या है, e का पावर है ना। सॉल्व करो और बताओ कितना आ रहा है। अंदर वाला पार्ट कितना आ रहा है, e टू द पावर क्या आएगा बताओ। हाँ, 0.225 कितना आ रहा है फाइनली बताओ। ये क्या है, ये 1.2523 क्या है, जल्दी बताओ। ये 1.2523 आ रहा है, ये क्या है, ये क्या है, जो पैसा टाइम जीरो पे है अगर उसको टाइम फाइव पे फेंकेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, समझा ना। माने माय फंड हैज ग्रोन 1.2523 टाइम्स इन अ स्पैन ऑफ हाउ मेनी इयर्स, 5 इयर्स। ठीक है, इज इट क्लियर, टोन सेट हो रहा है, यही मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, 23 तक पढ़ाऊंगा, 24 को टेस्ट लूंगा और 25 को पार्टी मनाऊंगा, क्योंकि पहला जो 20% है ना वो अपने 24 को खत्म करेंगे। एक भी क्लास मिस मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, इट्स जस्ट अ चेक ऑफ योर कंसिस्टेंसी। देखो आज कितना लोग आया है, 4, 5,
छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, जिसमें एक जन नया है, तो 12। पहला दिन आया था 15-16, तो तीन चार लोग तो छोड़ दिए। इसमें एक जन का एग्जाम है, जेन्युइन रीजन समझ में आता है, यानी दो लोग क्लास में नहीं आया है। बारिश आए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, धरती हिल जाए, भूकंप आ जाए, भैया बुलाए हैं, जाना जरूरी है, सिर्फ यही बात। कॉलेज में कोई बोलेगा, फ्रेंड्स बोलेंगे, लेट्स चिल आउट, लेट्स गो टू कैफे, लॉन्च, लेट्स पार्टी, नो, बोले भैया बुलाए हैं, जाना जरूरी है, दो ही लाइन बोलना बस। बोला तुम मेरे संग ऐसे कर रहे हैं? बोला हाँ ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, यही लाइन याद रखना बस। 1.25, 2, 3, मैंने अगर ये किया ना भाई, टर्म स्ट्रक्चर तक अगर एक बार भी ऐसा मन में फील आया कि मेरे को भैया का दरकार है, तो मेरे को उसी समय कॉल करना। अगर 24 तारीख तक जो भी क्लास कर रहा है, उसके बाद टर्म स्ट्रक्चर तक, मैंने 50% ऑफ द सिलेबस में, अगर एक बार भी ऐसा लगा कि मेरे को भैया का दरकार है, तो उसी समय कॉल करना। एंड आई नो एक भी जन कॉल नहीं करेगा, क्योंकि ये जो करा के जाएंगे यही है बेस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो 1.25, 2, 3 आ रहा है सबका, ठीक है। अब इसी में और एग्जाम्पल करते जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो तुमको निकालना है V0 से 10, ठीक है, तुमको निकालना है V0 से 10, तो कैसे करेंगे, ध्यान देना। एक्सपोनेंशियल, अब एक माइनस आएगा, ध्यान देना, एक्सपोनेंशियल, अब एक माइनस आएगा, क्या होगा, जो पैसा टाइम 10 पे है, वो पैसा को कहाँ लेके आ रहे हैं, 0 पे लेके आ रहे हैं। 0.02 प्लस 0.01 t dt, ठीक है, तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल आ रहा है, माइनस आ रहा है, 0.02 × 10 माइनस 0.01 डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या हो जाएगा, 100। आप पहले क्या करेंगे, अंदर वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे और फिर e के पावर में लेके जाएंगे और फिर आंसर लिखेंगे, बताओ कितना आ रहा है। e टू द पावर पहले क्या आ रहा है ये बताना पड़ेगा, -0. और फाइनल क्या आ रहा है, 0.49658। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एक लाइन बोल रहे सुनना, अगर समझ में आ रहा है तो, एक लाइन बोल रहे सुनना समझ में आ रहा है तो, हम लोग को लाइफ में ये तो पता ही है कि भाई जो आज हम कर रहे हैं, मेरे को फ्यूचर में वही मिलेगा, ठीक है ना। आज हम जो दे रहे हैं, मेरे को फ्यूचर में वही वापस मिलेगा, ये बात याद रखना। CM1 का होल क्रक्स इज दिस ओनली, आज तुम जो कर रहा है, इसका फल तुमको बाद में मिलेगा, लेकिन आज तो पहले तुम दे रहे हैं ना, समझो, आज तो पहले तुम दे रहे। मम्मी पापा घर में क्या बोलते हैं, दादी माँ क्या बोलती है, बोली कर्मा। कर्मा का मतलब क्या, तुम आज जैसा करेगा कल तुम्हारे संग वैसा ही होगा। तो आज तुम जो कर रहा है, आज तुम जो दे रहा है, फ्यूचर में तुमको वही मिलेगा। बहुत बड़ा बात बोल के जा रहे हैं, 0.49658 है, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या है, सुन लेना, हाँ या ना में बोलना, ठीक है, सिर्फ हाँ या ना में। अगर 10 साल बाद 1 रुपया चाहिए, अगर 10 साल बाद 1 रुपया चाहिए, तो आज हम 0.49658 लगाने को रेडी है, हाँ कि ना। अगर 10 साल बाद 1 रुपया चाहिए, क्योंकि देखो चीज समझो, ऐसा तो नहीं होगा ना कि तुम आज भी देगा और तुम 10 साल बाद भी देगा। अपने ये जो टाना टूनी जो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एक तरफ है पॉजिटिव कैश फ्लो, एक तरफ है नेगेटिव कैश फ्लो। मैं इसका मतलब समझा रहा हूं कि टाइम 10 पे 10 साल बाद अगर मेरे को 1 रुपया चाहिए, या फिर ऐसे टोन करे तो 10 साल बाद हर 1 रुपया के लिए जो कमाएंगे 10 साल बाद, वैसे 10 साल बाद हर 1 रुपया जो मेरे को मिलेगा, उसके लिए आज कितना इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, 0.49658। दिस इज प्रोजेक्ट अप्रेजल, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है।
आज तुम लोग मेरे को जो फीस दिया है 31,800, यू सीम, तुमको ऐसा मन में है, तुमको ऐसा मन में फील है कि भाई फ्यूचर में जो मैं पॉजिटिव नेट कैश फ्लोज जो कमाऊंगा दैट विल बी मच 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 ग्रेटर देन द अमाउंट दैट आई हैव इन्वेस्टेड टुडे, ठीक है ना, यही तो अपने कर रहे हैं ना. सो 0.49658 इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर 10 इयर्स, ठीक है, इसको कॉपी कर लो. मोहित अग्रवाल, कल का क्लास मिस हो गया था तो आज का क्लास समझ नहीं आ रहा है, इसको तुम नॉर्मल में भी लिख सकते थे, कैप्स में लिखने का पहला बात तो कोई दरकार नहीं था. मेरा विजन बिल्कुल सही है, चश्मा लगाता हूं लेकिन सही है, ठीक है, और कल का नहीं, सॉरी बोलने की दरकार नहीं है, ठीक है ना, हम गुरु थोड़ी है, हम तुम्हारे गुरु हैं. तो ये तुमको YouTube पे जाना है, एक्चुएटर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टाइप करना है, उसमें दो जो CM1 का क्लास है वो डल गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप जी वाला क्लास भी मैं ट्राई करूंगा कि कल सुबह 11 बजे के पहले डाल दूं ताकि तुम कल शाम को 6 बजे वाला क्लास अटेंड कर पाओ, ठीक है ना. हाँ, मतलब जैसे एक ऐसा चीज जिससे तुमको कंटिन्यूअस रिटर्न्स मिल रहा है. अब जैसे मैंने PMS में लगाया 50 लाख, ठीक है, पहले मैं क्या करता था पता है, जैसे मान लो ट्रेडिंग अकाउंट में डाला 10 लाख रुपया, 100 रिलायंस लिया, एक रिलायंस का दाम 3,000, ठीक है, 100 रिलायंस लिया मतलब कितना हुआ, 3 लाख, ठीक है, 3 लाख का बाय, 2 रुपया भाड़ा बेच दिया, तो दैट इज अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. आप अगर FNO फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और CM2 पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, बेसिकली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप देखोगे आपका बहुत अच्छा रिटर्न या फिर बहुत खराब रिटर्न आ रहा है. तो जहां पर आपको कंटिन्यूअस रिटर्न्स की दरकार पड़ती है ना, वहां आप कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग यूज करते हो. नाउ फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी के लिए हम लोग एक एक हफ्ता का FD करते हैं, बहुत बार बैंक्स में ओवरनाइट लेंडिंग होता है. सो इफ यू कंसिडर अ वेरी बिग टाइम पीरियड 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, तो उसमें अगर आप देख रहे हो तो उसमें पर डे का, पर डे इज ऑल्सो कंटिन्यूअस. इफ यूर ठंडा लग रहा है, पर डे 30 पे यार बंदी कर दो, इससे अच्छा AC. अच्छा गर्मी लग रहा है तुमको, अरे उसको गर्मी लग रहा है यार, फिर वो बोलेगी पैसा दिए हैं आप गर्मी में बैठाए हैं, तुम लोग को नहीं पता, बच्चा लोग बोलता है ऐसे, बोला आपका सेंटर में AC नहीं है. तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि वेन यू कंसिडर अ वेरी ह्यूज टाइम पीरियड, मे बी 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, तो 15 साल के हिसाब से अगर तुम देखेगा तो पर मंथ भी कंटिन्यूअस हुआ, 15 साल मतलब 180 महीना, तो वो भी कंटिन्यूअस ही हुआ. तुमको ये देखना पड़ेगा कि तुम क्या टाइम स्पेन देख रहे हैं. अगर तुम एक दिन देख रहे हैं तो पर सेकंड इज कंटिन्यूअस, अगर तुम एक महीना देख रहे हैं तो पर आवर इज कंटिन्यूअस, बिकॉज आई इंफिनिटी इज समवट वेरी कंबरसम. तुम कितना बार कंपाउंडिंग करोगे एंड वो फिगर भी बहुत छोटा आएगा. अगर मैं तुमको डेली इंटरेस्ट रेट दूंगा तो बहुत छोटा आएगा भाई, साल का 5% है तो पर डे का क्या होगा, डिवाइड बाय 365.25, बहुत छोटा फिगर आएगा वो. तो इससे अच्छा तुम उसको कंटिन्यूअस मान के ही करो. बोलने का मतलब ये है कि कंपाउंडिंग जो है ना भाई, अब तुम देखिएगा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आई एंड आई टू. आई अगर 5% है तो आई टू उससे थोड़ा कम होगा. आई टू उससे थोड़ा कम इसलिए होगा कि जब तुम उसको डिवाइड बाय 2 करेगा तो जो आएगा वो 2 बार कंपाउंडिंग होके एनुअल 5 बनेगा. I4 जो आएगा, बेसिकली बोलने का मतलब क्या है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो वो गैप कम होते जाता है. जो गैप आपको I और I2 में मिलेगा वो गैप आपको I2 और I4 में नहीं मिलेगा, वही गैप आपको I4 और I12 में नहीं मिलेगा. तो जब आप आगे जाते जाते हो ना, फिर वो एक कॉन्स्टेंट हो जाता है, उसके बाद फिर वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, 0.00001 है. अब जैसे मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बोलता हूं कि CM1 के लिए आपको हर चीज 5 बार पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर 5 बार क्यों, मैं 4 बार करता हूं, तो बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा 4 बार और 5 बार पढ़ने में. तुम एक चीज को 10 बार पढ़ लिया, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा 10 और 11 में. तुम एक बार पढ़ा, तुम 2 बार पढ़ा, तो 1 बार और 2 बार पढ़ने में बहुत फर्क तुमको अपने अंदर में महसूस होगा. तुम 2 बार 3 बार पढ़ेगा उससे थोड़ा कम महसूस होगा, 3-4 बार. लेकिन जब तुम 20 बार पढ़ चुका है कोई चीज को, तुम 20 से जब 21 बार पढ़ेगा तो बहुत ज्यादा फर्क तुमको नहीं महसूस होगा अपने अंदर में. समझ रहे हो वो चीज है? हाँ, बट नॉर्मली इफ यू सी इट्स आई इंफिनिटी, बेसिकली द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग इज वेरी हाई,
ठीक है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द टाइम पीरियड कि तुम किस टाइम पीरियड के हिसाब से देख रहे हो। एक छोटा सा बात बताता है, अभी समझ में आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, एनुअल के हिसाब से देखेंगे तो आई आई है, बट अगर क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे तो आई फोर बाई फोर आई है। जिसको समझ में आया है, नहीं आया, नहीं आया। हाफ ईयर के हिसाब से देखेंगे तो आई टू बाई टू आई है, क्योंकि हाफ ईयर को एक टाइम पीरियड मान के चल रहे हैं ना, क्वार्टर को एक टाइम पीरियड मान के चल रहे हैं, तो एक पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड मींस आई। इफ यू आर व्यूइंग फ्रॉम एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू देन इट इज आई फोर बाई फोर, इफ यू आर व्यूइंग फ्रॉम क्वार्टर पॉइंट ऑफ व्यू देन इट इज आई, if you considering one quarter as one time period then i4 by 4 is i, theek hai। so ye cheez hai, ab aao isi pe thoda aur working karte hain, apna wahi same rakhte hain। ab apne ko nikalna hai a 5 to 8, to exponential kya karenge, integration time 5 pe jo paisa usko 8 pe leke jayenge, 0.02 plus 0.01 t this whole thing into dt, theek hai, to exponential aayega, ठीक है, 0.02 डी टी का हो जाएगा टी, 8 माइनस 5 प्लस 0.005 टी स्क्वायर विच इज 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है, तो 0.02 इंटू 3 प्लस 0.005 इंटू क्या आ रहा है बताओ, 64 माइनस 25 कितना होता है, 64 माइनस 25 39। बोलो भाई, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, घर पे पढ़ के आओ, YouTube देखो हम लोग YouTube। e के पावर में क्या आ रहा है पहले ये बताओ, और e कितना आ रहा है, 1. ठीक है, अब एक बात बताओ, देखो अब इसमें क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देखो इधर देखना, ध्यान देना, ये क्या है, 3 साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर है, टाइम 5 पे जो पैसा था उसको 8 पे लेके जाने का एक जरिया है। एग्जाम में बोलेगा कि डेल्टा फेल्टा छोड़िए, डेल्टा फेल्टा छोड़िए, अगर एक कॉन्स्टेंट आई होता, अगर एक कॉन्स्टेंट इंटरेस्ट रेट होता तो वो कितना होता इसी के बराबर का, कैलकुलेट एन एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट टू दिस। माने अगर हम उस आई से कैलकुलेट करें और अगर हम इस डेल्टा टी से कैलकुलेट करें तो दोनों से मेरा जो अक्यूमुलेशन फैक्टर है वो सेम आएगा। तो अपने क्या करेंगे, व्हेन आई इज देयर तो 3 साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या बनता है, 1 plus i का क्यूब, तो ये क्या आ रहा है, 1.2905। तो यहां से आई सॉल्व करिए, 1.2905 टू द पावर 1/3 माइनस 1, फटाफट सॉल्व करो। Yes, आपको बोल रहा है एक कांस्टेंट एनुअल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालो इसी के बराबर का, इसी के बराबर का, तो इसके बराबर का निकाल के दिखाओ आपको, मतलब दोनों का अक्यूमुलेशन फैक्टर को सेम करके एक आई निकालना है। माने आप इस डेल्टा टी से कैलकुलेट करो या फिर आप इस आई से कैलकुलेट करो, आपका अक्यूमुलेशन फैक्टर सेम आएगा। बताओ, जीरो पॉइंट जीरो एट एट सेवन, बहुत लोग पता है इसको लिख देते 0.88। 0.88 कैसे हो सकता है भाई, 88% तो नहीं हो सकता है ना। एक सिंपल सा चीज समझो, 1 रुपया लगाया, 3 साल बाद 1.29 बन गया, 1.3 समझ लो, ठीक है, तो 8 से 9 के बीच में ही ना होगा इंटरेस्ट रेट। ये सब बेसिक, थोड़ा पैसा, खून पैसा लेके आओ अपने अंदर में, ठीक है, ये चीज है। अब एक बात बताओ, अगर मेरे को ये निकालना है, मैं जस्ट तुम लोग का कॉन्सेप्ट चेक कर रहा हूं, अगर मेरे को ये निकालना है V 5 to 8 तो क्या होगा बताओ,
तीन साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, 1/A 5 to 8, दिस इज नथिंग बट 1/1.2905। प्लीज कैलकुलेट। जीरो पॉइंट 77489, यही आ रहा है क्या? ठीक है, हाँ बोलो, इज इट ओके? ठीक है, देखो अब जैसे क्या होता है ना, आपको एक हेडिंग लगाना है, जनरलाइज्ड एक्सप्रेशंस। यहां पर लिख देना A0 to T/V0 to T। देखो अभी अपने क्या किए, एक अपने को डेल्टा टी का फंक्शन दिया हुआ था, अपने उसमें क्या किए, तीन बार अलग अलग बार इंटीग्रेट करके अलग अलग चीज निकाले। हम बोले ये सब बात छोड़ो, एक बार में बताओ कि भाई मैं एक ही बार इंटीग्रेट करूंगा, वैल्यू पुटिंग मैं बार बार करूंगा। हम इंटीग्रेट बार बार कर सकता है लेकिन हम वैल्यू पुटिंग बार बार, सॉरी, हम इंटीग्रेट एक ही बार करेगा, हमको बार बार वैल्यू पुटिंग करना है उसमें। ठीक है, जनरलाइज एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, अब जैसे अपना वो जो क्वेश्चन है ना, अपने उसमें निकालेंगे ए जीरो टू टी, अपने एक जनरल एक्सप्रेशन बना रहे अक्यूमुलेशन फैक्टर का, फिर अपने को जैसे जैसे निकालना होगा अपने वैसे वैसे करके उसमें खाली वैल्यू पुटिंग करेंगे। मेन प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये हुआ, लिखो लिखो, मैं एक बार इंटीग्रेट करूंगा एंड बार बार वैल्यू पुट करूंगा। मैंने आपको क्या बोला, एक बार मैं इंटीग्रेट करूंगा और बार बार मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुटिंग करूंगा। ठीक है, जनरलाइज एक्सप्रेशंस हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि इससे अपना काम आसान होता है। अभी जस्ट अपने देखे, जब अपने को 5 to 8 निकालना था, 0 to 5 निकालना था, या फिर V0 to, सब में अपने को बार बार इंटीग्रेट करना पड़ रहा था। यहां पर अपने क्या करेंगे, एक बार इंटीग्रेट करके एक जनरल एक्सप्रेशन बना लेंगे, ठीक है, फिर उससे बार बार खाली वैल्यू पुटिंग करके अपने आंसर निकाल सकते हैं, अपना काम को आसान बनाता है। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो अपने को निकालना है A0 to T, तो अब अपने क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन 0 से T, 0.02 + 0.01 S, क्योंकि लिमिट्स में टी है तो अंदर में अपने को चेंज करना पड़ेगा, वहां पर S करना पड़ेगा। लिमिट्स में भी टी और अंदर भी टी नहीं चलेगा, अंदर में अपने को S लेना पड़ेगा, Z लेना पड़ेगा, कुछ भी, लेकिन टी नहीं चलेगा, DS। अब इसको अगर अपने सॉल्व करेंगे तो ये अपना आएगा एक्सपोनेंशियल 0.02 × T + 0.005 0.01/2 × क्या आएगा, S का स्क्वायर, तो अपने क्या करेंगे, इंटू टी स्क्वायर। तो अपना फाइनल क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल 0.02 T + 0.005 T² अब एक काम करो, अपने क्या क्या निकाले थे पहले बताना तो मेरे को। अब एक काम करो, अगर अपने को निकालना है A0 to 5, तो अपने क्या करेंगे, खाली T के जगह में 5 पुट कर देंगे, तो 0.02 × 5 + 0.005 × बोलो क्या होगा, 25। अगर अपने को V0 to 5 निकालना है तो अपने क्या करेंगे, देखो ये अपना accumulation factor है ना, तो V0 to T अपना क्या हो जाएगा, यहीं पर देखो, एक्सपोनेंशियल -0.02 T - 0.005 T². अरे 1/ करेंगे तो यही तो आएगा ना, माइनस हो जाएगा और क्या। तो यहां पर अपना क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल
माइनस 0.005 इंटू क्या होगा बताओ, 25। और अब चेक भी कर लेना तो A025 और V025 1/1 का रिलेशन में आ रहे कि नहीं आ रहे, ये भी अब चेक कर लेना फटाफट से।
चलो यहां तक हुआ सबका? हाँ यहां तक सबका हुआ बेटा। ओके ठीक है, अपने एक और एग्जांपल लिखते हैं। अपने को डेल्टा टी दिया हुआ है। अब क्या होगा ना, देखो तीन अलग अलग ब्रैकेट्स में होगा, तो 0.03 है जब टी का वैल्यू है 0 से 10 के बीच में, 0.003 टी है जब 10 से बड़ा है बट 20 से छोटा है, 0.0001 टी स्क्वायर है व्हेन टी इज ग्रेटर देन 20। ठीक है, ये अपने को दे दिया है। ठीक है, ये अपने को दे दिया है। अब एक चीज समझना, अपने सबसे पहले एक काम करते हैं, अपने एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन बनाते हैं। ठीक है, तो अपने जो जनरलाइज एक्सप्रेशन बनाएंगे वो डिस्काउंट फैक्टर के लिए बनाते हैं। तो सबसे पहले अपने को एक रेंज देना पड़ेगा, ये वाला आपने रेंज दे दी है। अपने बना रहे वी 0 से टी के लिए, तो वी 0 से टी का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस टाइम टी पर जो पेमेंट है उसको 0 पे ला रहे हैं, 0.03 डीएस। ठीक है ना, तो कितना आएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस 0.03 इंटू टी, तो दिस इज ई टू द पावर माइनस 0.03 टी। ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत? अब देखो एक बात समझो, 0 से 10 के बीच में अगर अपने को कोई भी डिस्काउंट फैक्टर चाहिए तो अपने यहां से निकाल सकते हैं। अगर मान लो अपने को पहला 10 साल का चाहिए तो अपने क्या करेंगे, ई टू दी पावर माइनस 0.03 इंटू 10, विच इज ई टू दी पावर माइनस 0.3। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं। जब टी का वैल्यू 10 से बड़ा है बट 20 या फिर उससे छोटा है, ठीक है, तो अब देखो इसमें अपने जब वी 0 टू t निकालेंगे तो इसको अपने को ब्रेक करना पड़ेगा। पहले तो अपने इसको ब्रेक करेंगे 0 से 10 में, क्योंकि पहला 10 साल का अलग है। जो दूसरा वाला जो डेल्टा टी है वो तो सब रेंज के लिए वैलिड नहीं है ना, वो तो उसी रेंज के लिए वैलिड है जब क्या होगा, 10 से बड़ा होगा और 20 से छोटा होगा। हल्का जोश में आइए, सो 10 से t, ठीक है ना। तो वी 0 से 10 का मतलब क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस 0.3 है, जस्ट अभी आपने कैलकुलेट किया है, इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस टाइम 10 पे, टाइम टी पे जो पैसा उसको 10 पे लाएंगे, टी से पैसा 10 पे आ रहे हैं, फिर 10 से 0 पे लेके जाने के लिए तो ये है ही, है ना। और दूसरा वाला अपने को क्या दे दिया, यहां पर 0.003, 0.003 s डी एस, तो ये क्या आएगा अपना बताइए, ये क्या आएगा अपना, ई टू दी पावर माइनस 0.3 एक्सपोनेंशियल माइनस 0.003 बाय 2, एस के जगह में क्या हो जाएगा, s² बाय 2, तो s² है ना, तो क्या आएगा, t² माइनस 100। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताइए कि ये क्या आ रहा है। मैं वेट करूंगा आप सबका, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दो बेटा मेरे लिए, क्लास अभी 1 घंटा 10 मिनट और चलेगी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो मेरे लिए।
कितना आ रहा है बताइए इसको, इसका सिंप्लीफाइड कितना आ रहा है ये बताइए। ई टू द पावर क्या आ रहा है बताइए, माइनस 0.3। एक बार में बताओ, इसको सिंप्लीफाई करो ना, करो करो, होगा होगा, क्या आ रहा है चैट बॉक्स में बताओ। जीरो पॉइंट डबल जीरो थ्री बाई टू क्या होता है, 0.0015 टी स्क्वायर माइनस क्या होगा बताओ, 0.15 कितना आ रहा है फिर फाइनली बताइए। हाँ ठीक है, फिर फाइनल कितना आ रहा है बताओ, माइनस 0.0015 टी स्क्वायर। हाँ ये आ रहा है ना अपना, इज इट ओके। अब जैसे ये अपना क्या निकल गया, जीरो से टी का निकल गया, जब टी का वैल्यू 10 से 20 के बीच में है। अब मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को निकालना है वी 0 से 20, तो अपने क्या करेंगे, 20 पुट करेंगे हाँ कि ना। e टू द पावर माइनस 0.0015 इंटू टी स्क्वायर का मतलब क्या है जल्दी बताइए, टी स्क्वायर का मतलब क्या है जल्दी बताइए। हाँ 400 माइनस 0.15, सॉल्व करके बताओ ये कितना आ रहा है, माइनस 0.75। अब आएगा अपना एकदम लास्ट वाला, 0.3 तो था ना कि क्या था अपना, हाँ 0.0, हाँ यही आ रहा है ना। अब अपने करेंगे लास्ट वाला, व्हेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो वी 0 से टी को अगेन ब्रेक करना पड़ेगा, वी 0 से 20 इंटू वी 20 से टी, क्योंकि रेंज किसका दिया हुआ है, व्हेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो ये तो अपने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस टाइम टी पर जो पेमेंट है उसको 20 पर लाएंगे, क्या दिया हुआ है 0.0001 टी स्क्वायर। इसको मैं दोबारा यहां लिख देता हूं, जीरो पॉइंट 0.0001 है क्या, हाँ अरे बोलते क्यों नहीं हो, जीरो पॉइंट 0.0001 है क्या जल्दी बताओ, अरे बोल ही नहीं रहे हो कुछ, हाँ कि ना। ट्वेंटी का क्यूब है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लो फटाफट से कैलकुलेटर में, तो ये अपना फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। प्लस में क्या आ रहा है, 20 का क्यूब कितना होता है, 8000 है ना, क्या आ रहा है बताओ, प्लस में क्या आ रहा है,
ए तेरा कल का क्लास क्या है? कल का क्लास करके आया है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कितना आ रहा बताओ? कितना आ रहा बताइए। नहीं टी स्क्वायर तो नहीं आ रहा, टी क्यूब है। नहीं खाली ये वाला पार्ट कितना आ रहा है, मतलब 0.0001/3 इंटू, मैंने क्या आ रहा है, 0.8/3 आएगा क्या? 0.8/3 की 8/3। पॉइंट एट बाई थ्री आ रहा है क्या? अब फाइनल बताओ क्या आ रहा है, अब फाइनल बताइए क्या आ रहा है, ई टू द पावर क्या आ रहा है? बोलना पड़ेगा नहीं तो नहीं होगा। अरे फाइनल बताओ, मतलब ई टू द पावर -0.0001/3 टी क्यूब, ये तो ठीक है। और ये वाला क्या आ रहा है, -0.48333। यहां तक सब लोग को करना पड़ेगा, सब लोग करिए। अब एक बात देखो, अगर यहां तक सबका आया है ना, तो V 0 से 28 अगर निकालना है ना, अपने को ये चेक करना पड़ेगा कि 28 कहाँ लाई कर रहा है, अपने को ये चेक करना पड़ेगा कि 28 कहाँ लाई कर रहा है। तो 28 थर्ड क्वार्टर मतलब तीसरा वाला में तो अपने इसमें डालेंगे। यही अगर अपने बोलता है V 0 से 15 तो दूसरे वाले में डालते, यही अगर अपने को बोलता V 0 से 5 तो पहले वाले में डालते। तो 28 के लिए क्या करना पड़ेगा, ई टू द पावर -0.0001/3 इंटू क्या होगा जल्दी बताइए, इंटू क्या होगा जल्दी बताइए, 28 का क्यूब -0.48333। जल्दी बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है ये, 0.29। ऑनलाइन में सब लोग बताएंगे कितना आ रहा है सबका, ऑनलाइन में सब लोग बताएंगे सबका कितना आ रहा है। समझा जनरलाइज एक्सप्रेशंस का मतलब? अब क्या तुमको एक बार भी इंटीग्रेट करने का दरकार है? नहीं, क्योंकि तुम सबके लिए क्या निकाल लिया है, एक जनरल एक्सप्रेशन बना लिया है। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 5 नंबर के लिए। अब देखो, अपने दो पार्ट होता है कंटिन्यूअस पेमेंट्स में, अपना दो पार्ट होता है, ये अपने एक पार्ट किए। पहले यहां तक करेगा, 2 मिनट रेस्ट लो, फिर उसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट का रेस्ट ले लो।
अरे सर नहीं ऐसे नीचे कैसे आओ six six seven चार काली है तीन है पेपर में जो आता है आपको फास्ट भी नहीं मिलता है आपको बनाने के लिए तो वो रखने की जगह भी बंद कर दिया होगा बस प्रोबेबिलिटी टाइप पड़ी है इसका आएगा 29669 आएगा ठीक है। अब आइए अब देखो जैसे क्या है ना ये तो चलो एक पार्ट हुआ। अब जैसे तुम्हारा फोर्स ऑफ इंटरेस्ट क्या था डेल्टा के जगह में डेल्टा टी हुआ। अब वही चीज तुम्हारा पेमेंट के साथ भी हो सकता है। अब पेमेंट डिस्क्रीट टाइम पे नहीं होगा मतलब डिस्क्रीट टाइम का मतलब 0, 1, 2, 3 पे नहीं होगा पेमेंट कंटिन्यूअस होगा। और जब पेमेंट कंटिन्यूअस होता है तो उसको हम लोग पेमेंट स्ट्रीम बोलते हैं ठीक है। ये देखो बहुत सिंपल है ये है आपका ए और ये है आपका बी। अब ए से बी के बीच में बहुत सारे पेमेंट्स हो रहे हैं। एक रैंडम टाइम टी पे जो पेमेंट होगा जो रेट ऑफ पेमेंट है टाइम टी का उसको हम लोग बोलते हैं रोटी। रोटी का मतलब क्या है रेट ऑफ पेमेंट एट टाइम टी रेट ऑफ पेमेंट एट टाइम टी ठीक है। तो बहुत सिंपल है देखो या तो मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा टाइम ए पे मतलब एक पेमेंट हो रहा है कि बहुत सारा पेमेंट हो रहा है बहुत सारा पेमेंट हो रहा है
कहां से कहां के बीच में हो रहे हैं, ए टू बी। तो इन सारे पेमेंट्स का मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है या तो टाइम ए पे, या फिर इन सारे पेमेंट्स का मेरे को अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है टाइम बी पे। तो पहले एक पेमेंट का निकालेंगे, जो टाइम टी पे जो पेमेंट हो रहा है उसको अपने ए पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो टाइम टी पे जो पेमेंट हो रहा है उसको ए पे कैसे लेके जाएंगे, रोटी, रोटी को पेमेंट की तरह सोचो, 100 रुपया 50 रुपया, ठीक है, पेमेंट का अमाउंट अब उसको ए पे लेके जा रहे हैं, कहां से लेके जा रहे हैं, टी से। तो एक्सपोनेंशियल माइनस टाइम टी पर जो पेमेंट है वो ए पर आ रहा है, क्योंकि लिमिट्स में टी है तो बोल के क्या हो जाएगा, डेल्टा एस डी एस। अब ऐसा एक पेमेंट हो रहा है कि बहुत सारा पेमेंट हो रहा है, बहुत सारा पेमेंट हो रहा है, कहां से कहां के बीच में हो रहा है, ए से बी, डिस्क्रीट रेंज में हो रहा है कि कंटिन्यूअस रेंज में हो रहा है। कंटिन्यूअस रेंज, कभी भी कंटिन्यूअस आएगा तो उसके साथ में क्या आएगा, समेशन की इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। सो बेसिकली वी विल सम द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल द पेमेंट्स दैट आर हैपनिंग बिटवीन द टाइम्स ए एंड बी, इसीलिए इंटीग्रेशन ए टू बी, एंड ये पूरा चीज में आएगा डीटी। बहुत सिंपल है, मैं 10 बार रिपीट करूंगा इस चीज को। ये समझ में आ गया मतलब टॉपिक खत्म है, कुछ नहीं, सम सॉल्विंग देखो कुछ नहीं है। इसको बेटा तो एसी को प्लीज कम करो, किसके पास है रिमोट, यही है, वाह गलती करके मेरे सामने, देखो सबसे पहले समझना व्हाट इज रोटी। तुम लोग बताओ व्हाट इज रोटी, रेट ऑफ पेमेंट एट टाइम टी, इसको कुछ भी समझो, 100 200 300 400 500, ठीक है। टाइम टी पे जो पेमेंट हो रहा है उसको अगर ए पे लाना है तो डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस टाइम टी पर जो पेमेंट हो रहा है उसको ए पे ला रहे हैं, डेल्टा एस डी एस। अब ये बेसिकली क्या है, पहले तो ये बताओ ये क्या है, ये क्या है, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पेमेंट ऑफ रो टी विच इज हैपनिंग एट टाइम टी, उसका प्रेजेंट वैल्यू कहां पर है, ये ए पर, उसका प्रेजेंट वैल्यू कहां पर है, ए पर है, ठीक है। ऐसा एक पेमेंट हो रहा है कि बहुत सारा पेमेंट हो रहा है, कहां से कहां के बीच में हो रहा है, ए से बी, डिस्क्रीट रेंज में हो रहा है कि कंटिन्यूअस रेंज में हो रहा है, तो इसलिए कंटिन्यूअस रेंज का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, ए टू बी, ठीक है। कॉपी करो उसको, यस वेदांत सर एक बार वापस बता दीजिए। क्या सर एक बार वापस बता दीजिए। हाँ मैं बता रहा हूँ, रो टी का मतलब होता है रेट ऑफ पेमेंट एट टाइम टी, मतलब आप ये समझो कि जो पेमेंट है अब वो भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए रो टी, ठीक है, इट इज अ रेट ऑफ पेमेंट एट टाइम टी, ठीक है। आप रो टी को ऐसा सोचो ना, आप रो टी को ऐसा सोचो कि मे बी 100 200 300, कुछ भी सोचो, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, रो टी ऐसा भी हो सकता है, रोटी ऐसा भी हो सकता है 100 × 0.8 to the power t, ऐसा भी हो सकता है रोटी। ये पेमेंट का रेट है, आप जिस टाइम पे पेमेंट करोगे, फॉर एग्जांपल 0.5, तो 100 × 0.8 to the power 0.5, दिस विल बी द पेमेंट। एंड ये एक बार में नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस रेंज में हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो जैसे एक बार अक्यूमुलेटेड वैल्यू से दोबारा से समझते, वेदांत जैसे बोल रहा है, तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू अपने निकालेंगे टाइम बी पे, इसका मतलब क्या है, देखो ए से बी में बहुत सारे पेमेंट्स हो रहे हैं, टाइम टी पे जो पेमेंट हो रहा है उसको अपने को कहां पर लेके जाना है, बी पे, ऐसा बहुत सारा टाइम्स पे पेमेंट होगा, क्योंकि पेमेंट एक एक बार हो रहा है ना, बहुत बार हो रहा है, बहुत बार, कहां से कहां के बीच में हो रहा है, ए से बी। तो अभी अपने क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ए टू बी रो टी, अब क्या करना है, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन टाइम टी पर जो पेमेंट है उसको कहां लेके जाएंगे, b डेल्टा s ds होल इनटू dt, टाइम t पर जो पहले देखो ये समझो ये क्या है, ये अंदर वाला पार्ट क्या है,
रोटी क्या है, रेट ऑफ पेमेंट एट टाइम टी, मतलब टाइम टी पे कितना पेमेंट हो रहा है, उसको अपने क्या कर रहे हैं, अक्यूमुलेट कर रहे हैं। कहां पर अक्यूमुलेट कर रहे हैं, उसको अपने अक्यूमुलेट करके कहां पर लेके जा रहे हैं, बी पे लेके जा रहे हैं। ऐसा एक पेमेंट हो रहा है कि बहुत सारा, कहां से कहां के बीच में हो रहा है। सो बेसिकली दिस इज द सम ऑफ ऑल द अक्यूमुलेटेड वैल्यूज ऑफ द पेमेंट्स हैपनिंग इन अ कंटिन्यूअस टाइम पीरियड फ्रॉम टाइम ए टू टाइम बी। ठीक है, रोटी क्या है, टाइम टी पे कितना पेमेंट हो रहा है, ये एक्सपोनेंशियल वाला क्या है, अक्यूमुलेशन फैक्टर टी से बी का, ऐसा एक हो रहा है कि अनेक। पहले तो सबको सेम टाइम पीरियड पे ला रहे हैं, सबको पहले टाइम बी पे ला रहे हैं और फिर सम कर रहे हैं कंटिन्यूअस रेंज में, इसीलिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ चलो इसको कॉपी कर लो, अब सम्स बनाएंगे। चलो डेल्टा टी का फंक्शन दिया हुआ है, जीरो पॉइंट जीरो नाइन माइनस जीरो पॉइंट डबल जीरो थ्री टी, जीरो टी टेन, और यहां पर आएगा जीरो पॉइंट जीरो सिक्स व्हेन टी इज ग्रेटर देन टेन। ठीक है, ये आपको डेल्टा टी का फंक्शन दे दिया है। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, ए है 11, बी है 15, ठीक है, एंड अपने को जो रो टी दे दिया है, रो टी अपने को दिया है 10 ई टू द पावर 0.01 टी। हाँ मैं कर रहा हूं बेटा, इसका अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, पहले टाइम 11 पे और फिर टाइम 0 पे। इसका अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, पहले टाइम 11 पे और फिर टाइम 0 पे। तो पहले 11 पे निकालेंगे, एकदम ध्यान से, अभी कुछ नहीं करना तुमको, पहले सुनो। अपने को डेल्टा टी का फंक्शन दे दिया है, तो पहले तो ये बताओ कि पेमेंट कहां से कहां तक हो रहा है, 11 से 15 हो रहा है, तो अपने कौन सा वाला डेल्टा टी यूज करेंगे, ऊपर वाला ना नीचे वाला, नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाला इज वैलिड फ्रॉम 10 से बड़ा के लिए, नीचे वाला वैलिड है तो नीचे वाला यूज करेंगे। कहां से कहां तक पेमेंट हो रहा है, 11 से 15 एंड रोटी अपने को दे दिया है, हाँ कि ना, हाँ। चलो देखो कैसे करना है, देखो सबसे पहले 10, सबसे पहले टाइम टी पे जो पेमेंट हो रहा है 10 ई टू द पावर 0.01 टी एक्सपोनेंशियल, क्या करना है बताओ, क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना, तो क्या करना है, माइनस क्या होगा बताओ, टाइम टी पर जो पेमेंट हो रहा है उसको कहां पर लाएंगे, 11 पे लाएंगे, टाइम टी पर जो पेमेंट हो रहा है उसको 11 पे लाएंगे, 0.06 दिस थिंग इनटू डीएस होल थिंग इनटू डीटी, और यहां पर क्या होगा, इंटीग्रेशन 11 से 15, दिस इज व्हाट प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 11। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, एकदम ध्यान से देखो, सम कॉपी हो गया सबका, सम कॉपी हुआ है, सम कॉपी करो, पहले सम कॉपी करो भाई, इससे इजी ना मैगी बनाना होता है, मतलब अगर डिफिकल्टी लेवल का बात किया जाए तो सबसे इजी मैगी, फिर ये, इसमें कुछ है ही नहीं भाई, इसमें कुछ है ही नहीं, क्या है इसमें, समझ रहे हैं, ऐसे थोड़ी 1 करोड़ रुपए आएगा, मजाक कर रहे, नहीं 1 करोड़ नहीं आएगा, 25 लाख, 25 से 30 लाख, 30 लाख बहुत होता है, मतलब अगर तुम लोग को अंदाजा नहीं लग पा रहा 30 लाख कितना पैसा है, तो मैं बताता हूं, 30 लाख का मतलब हो गया तुमको इन हैंड करीब करीब, नहीं इन हैंड तुमको 2.5 से हल्का कम मिलेगा, अगर तुम 1 BHK फॉर एग्जांपल गुड़गांव या फिर बॉम्बे में, ठीक है, तो खर्चा तुम्हारा ज्यादा नहीं होगा, 2-3 जन मान लो तुम है, वाइफ है, मम्मी पापा जैसा भी है, तो 1.5 लाख तक, और फिर लाख रुपए जो एडिशनल जो बचेगा ना, तुम उससे फॉरेन टूर्स कर सकता है, ठीक है ना, वियतनाम जा सकता है, थाईलैंड जा सकता है, ठीक है, उसके बाद तुम चाइना जा सकता है, जापान जा सकता है, तो जो पैसा बच रहा है तुम फॉरेन टूर्स कर सकता है, लैविशनेस मतलब तुम गाड़ी ले सकता है, तुम घर ले सकता है,
तुम कुछ भी कर सकता है, फिर तुमको लगेगा बस, ठीक है ना। तो क्या है कि मजा तब आता है, मतलब समझ रहे, तुम मॉल में गया एकदम पूरा अच्छा लगता है मतलब, तो वो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, एंड दैट इज जस्ट स्टार्ट। फिर मान लो अभी यूके का अपॉर्चुनिटीज बहुत खुला हुआ है, यूके मार्केट्स में गया तो और बेटर, बट सबका ऐसा नहीं होता है। इसमें ये समझ लो 100 में 20 का ऐसा, तो वो टॉप 20 टॉप 10 में होना पड़ेगा। हम लोग तो देखा है ना हर बैच में, जैसे मान लो 20, अभी जैसे यहां पर 20 जन बैठा है, इसमें से कोई दो, अब वो दो तुमको बनना है बस, इसमें से कोई दो ही जो मैं बोल रहा हूँ वो ड्रीम। भाई बच्चा लोग का माइंडसेट, दे आर वेरी फोकस्ड, ठीक है ना। मतलब मान लो एग्जाम खत्म हुआ, दो टाइप का माइंडसेट है, वो लोग जस्ट पूछते हैं कि कौन सा एग्जाम देना है, पेमेंट डिटेल भेजिए और कैसे पढ़ना है ये बताइए, सिर्फ इतना ही बात होता है। क्योंकि वो लोग का ट्रायड एंड टेस्टेड, एक बार देख लिया मतलब समझ में आया ठीक है, फिर वो लोग पूरा, वो लोग को पता है फोकस कि भाई अभी दाया बाया कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, सिर्फ एक ही चीज दिख रहा है, वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये लाइफ को भी एंजॉय करना जरूरी है, इस प्रोसेस को एंजॉय करना जरूरी है। आज हम लोग के लाइफ में भी बहुत चैलेंजेस आते हैं, लेकिन अब हम लोग को पता है दैट वी कैन ओवरकम दैट, ठीक है ना। तुम लोग को अभी वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज प्रोफेशनल अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो उसके लिए तुमको रेगुलरली यू नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है ना। आज जैसे मान लो कोई अगर कॉलेज में एकदम मस्ती कर रहा है, ठीक है, एंड अचानक से ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, दैट इज 0.001%, मतलब पूरे कॉलेज में एक ऐसा हुआ, वो अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग वगैरह लगाया, बट बाकी जो है 99.99999% वो लोग बहुत हार्डवर्क करते हैं अपने लाइफ में, हर चीज को लेकर बहुत हार्डवर्क करते हैं, ठीक है ना। तो करियर बनाना इतना ईजी नहीं है, करियर में बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ठीक है, तो वही चीज है। आओ, तो ये जो है, एंड पता है तुम लोग को एक जो बहुत बड़ा मिथ है, अभी जैसे बहुत लोग क्लास 12 से जस्ट अभी निकला है कि क्लास 12 का एग्जाम दे दो अब लाइफ सेट है, यू गेट इनटू डीयू द लाइफ इज सेट, बट द आंसर इज नो, नाउ द चैलेंज स्टार्ट्स, एंड ट्रस्ट मी द टाइम यू गेन क्वालिफिकेशन तब तक तुम्हारे दिमाग में यही साइकिल चलते रहेगा कि क्वालिफिकेशन जब हो जाएगा उसके बाद नया प्रॉब्लम आएगा, नया चैलेंजेस आएगा, तब तुमको लगेगा और आगे क्या, ये कभी अट्रैक्शन कभी नहीं जाएगा। मेरे को पहले अट्रैक्शन था लाख रुपए से, फिर फिगर्स इन लैक्स से, अभी करोड़ में मेरा अट्रैक्शन है, तो वो अट्रैक्शन 100x हो गया है। तो ये तो मनी ड्राइव हो गया, मनी ड्राइव के अलावा अब हम लोग कुछ वैल्यू क्रिएशन, मेरा एक ड्रीम है कि अभी हमारे पैम्पलेट में 50+ एक्चुअरीज का है फेलो एसोसिएट, उसको मेरे को 500 तक लेके जाना है, तो वो एक ड्राइव होना चाहिए लाइफ में, वो ड्राइव नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं यार। वो चीज है, मतलब वो ड्राइव तुम लोग के अंदर में आना, वो एक, बहुत लोगों को मैं पूछता हूँ कि आपको क्या करना है 5 साल बाद, वो लोग को दिमाग में कुछ चलता नहीं है। इनोवेट्स गुड बट इनोवेट्स बैड ऑल्सो, कि तुमको ये पता होना चाहिए कि 5 years 10 डाउन, एंड इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। अब जैसे मैंने सेकेंड ईयर से चालू किया एक्चुअली, मेरे फ्रेंड ने फर्स्ट ईयर में चालू किया बट उसने थर्ड ईयर में छोड़ दिया, किसी ने फर्स्ट ईयर में चालू किया, किसी का 3 पेपर ही हुआ, एवरी वन हैज देयर ओन जर्नी, सबका स्लो फास्ट वो सबका मोटा मोटी, कोई अगर अभी थर्ड ईयर में वो ये सोच रहा है मैं तो अभी पहला पेपर दे रहा हूँ तो क्या हुआ, इट्स फाइन, ठीक है ना। वेन देर वॉज अ गर्ल फ्रॉम SRCC, चाहत शर्मा, ठीक है, तो शी जब उसका इंटरव्यू था, लाइक शी वॉज इन PwC, ठीक है, नाउ शी इज इन UK, तो उस समय तक उसके सिर्फ 2 पेपर्स हुए थे, ठीक है, एंड उसके बाद उसने सारे अच्छे से हमारे साथ में वो हमसे जुड़ी, एंड मतलब शी डिड इट इन जस्ट 2.5 to 3 years ऑफ टाइम। मतलब उनको ये था कि बहुत फोकस्ड वे में उसने बहुत अच्छे तरीके से किया, उसका इंटरव्यू देखना हमारे में, लाइक हमारा YouTube में उसका इंटरव्यू है, करेंटली शी इज इन टावर्स वॉटसन UK। तो वैसा नहीं है यार, मतलब इंडस्ट्री इज वेरी ओपन, आप कोर्स को ब्लेम नहीं कर सकते हो कोई भी चीज के लिए, कोर्स हैज गॉट सम लिमिटेशन, एंड तुम कोई भी कोर्स करेगा ना तुमको उसमें हमेशा ये लगेगा इसमें यार ये ड्रॉबैक है, इसमें यार ये ड्रॉबैक है, हर कोर्स में ड्रॉबैक है, बट लोग जो आगे बढ़ रहे हैं वो अपने पोटेंशियल अपने टैलेंट पे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आज मैं जो किया, मेरे सारे फ्रेंड्स एक टाइम पे कुछ कर रहे थे, मैं कुछ और कर रहा था, उसका बेनिफिट आज मेरे को मिल रहा है, आज मेरे को बना बनाया मतलब बेस मिला, मैं बहुत मेहनत किया 9 साल, अब देखो ऐसा नहीं मेरे को एकदम 1 से स्टार्ट करना पड़ रहा है, आज भी मेरे सामने 20 बच्चे बैठे हुए हैं,
और बाकी लोग आ नहीं रहे, दिस इज द प्रॉब्लम. तो वो तुमको कंटिन्यूअसली यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड. एक बार में नहीं होगा, 5, 6, 7, 8, 10 साल तक लगेंगे. ठीक है, तो ये आओ इसमें आओ. तो ये जो है अब जैसे देखो बहुत सिंपल है ये चीज. अब जैसे इसमें अपने को 10 को बाहर लेना है, 11 से 15 e टू द पावर 0.01 टी e टू द पावर. अब देखो जैसे e टू द पावर माइनस 0.06 तो हो गया बाहर, s आएगा तो s के बदले क्या आएगा, t माइनस 11 dt. बहुत मुश्किल नहीं यार इसको सॉल्व करना, जो कांस्टेंट पार्ट है वो बाहर जाएगा और उसको बस खाली सॉल्व करना है. बट एक चीज समझ लेना, एक चीज समझ लेना, कल तक अपने नेट में इंटीग्रेशन कर रहे थे, एक्सपोनेंशियल के बाद इंटीग्रेशन हो या फिर इंटीग्रेशन के बाद एक्सपोनेंशियल हो, दोनों में बहुत फर्क होता है, दोनों में बहुत फर्क होता है. ठीक है, अब देखो कैसे करना है इसको, एक बार देख लो. अभी अपने 10 कर रहे हैं, 11 से 15 e टू द पावर 0.01 t e टू द पावर माइनस 0.06 t e टू द पावर 0.66 होगा क्या, है ना, dt. अब क्या करेंगे ध्यान देना एक बार, फिर मैं कॉपी करने का टाइम दे दूंगा. 10 e टू द पावर 0.66 ये तो आ गया बाहर, 11 से 15 e टू द पावर माइनस 0.05 t नेट में, राइट, है ना. अब इसके बाद क्या होगा ध्यान देना, 10 e टू द पावर 0.66. अब आप इसको ऐसे नहीं कर सकते e टू द पावर माइनस 0.05 15 माइनस 11, नहीं, क्योंकि अब इंटीग्रेशन के बाद एक्सपोनेंशियल है, e टू द पावर mx का इंटीग्रेशन है, तो e टू द पावर mx बाय m ये होगा इसका इंटीग्रेशन. सो e टू द पावर माइनस 0.05 t बाय माइनस 0.05. अब यहां पर सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये गलती कर दिया मैंने, एक मिनट. अपने को क्या करना है, e टू द पावर mx बाय m. सो e टू द पावर माइनस 0.05 इंटू 15 माइनस e टू द पावर माइनस 0.05 इंटू 11 होल डिवाइड बाय माइनस 0.05. ये देखो ये होगा इसका, क्योंकि जब एक्सपोनेंशियल के बाद में इंटीग्रेशन है तो अपने इंटीग्रेटेड वैल्यू को e के पावर में लेके जा रहे हैं, बट यहां पर e के पावर में कुछ है, अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है. अपने जब फोर्स ऑफ इंटरेस्ट में कर रहे थे दैट वाज एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन, अभी अपने कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल. ठीक है, एक्सपोनेंशियल के बाद जब इंटीग्रेशन है तो e टू द पावर a माइनस बी हो सकता है, बट अभी अपने को क्या करना है, e टू द पावर a माइनस e टू द पावर b. इसको कॉपी करके इसका आंसर निकालो. हाँ मैं पूरा ऊपर कर रहा हूँ, चालू करो ऐसे, इसके आगे का सब खुद से बनाओ, खुद से बनाओ, खुद से बनाओ, खुद से बनाओ, सॉल्यूशन मत देखो, खुद से बनाओ. गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बनाओ, फिर गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बनाओ. फोकस लाइए, फोकस लाइए, फोकस नहीं दिख रहा है, दो दिन में हालत खराब हो गया है. माइंड को क्लियर कीजिए एकदम. बाकी लोगों को करने दो. 40.46 ठीक है, तुम लोग पहले आपस में कर लो. ऑनलाइन में कितना आ रहा है फटाफट से बताइए.
40 पॉइंट इज द करेक्ट आंसर जिसका भी आया है। सब लोग सॉल्व करेंगे, वही तो बात है ना, फिनिश लाइन के पहले तक सब पहुंच गया था, फिनिश लाइन क्रॉस कौन करता है वो मैटर करता है। अभी जो पहला डेढ़ घंटा था सब लोग पढ़ लेगा, अभी से आधा घंटा जो पढ़ सकता है वही राजा बनेगा, ठीक है। मोहम्मद अली से पूछा, बोला कि आप इतना बड़ा बॉक्सर कैसे बने, पता वो क्या जवाब दिया? वो बोला बोला हम अपना आदमी लोग को बोलता है मेरे को मुक्का मारो, ठीक है, दर्द होता है। बोला पहला 100-200 मुक्का में हमको कुछ दर्द नहीं होता है। बोला हम गिनना तब से चालू करते हैं जब मेरे को दर्द होता है, मतलब पहले 200-300 मुक्का मारा दर्द नहीं हुआ, जब मुक्का मारा जब पहला दर्द हुआ तब से गिनना चालू करेगा, एक, समझा? ऐसे नहीं, अभी अभी से गिनना चालू करो, आपसे कौन कितना क्या कर सकता है, ठीक है। देखो ना कॉलेज में तुम लोग को भैया दीदी मिलेगा तो वैसे ही ज्ञान देगा, अरे हम पहले किए थे ऐसे ऐसे करके फिर ऐसा हो गया, तुमको भी सेम प्रॉब्लम फेस होगा यार। बोला नहीं जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ये ही सब है, ठीक है। दुनिया चाहती है हम नालायक, हमारे जैसे सब नालायक। ये हुआ, अब 11 से 0 पे डालो, 11 से 0 पे डालो, 11 से 0 पे टालने के लिए ये वाला जो है ना इसका निकालना पड़ेगा V0 से 10, 0.09 माइनस 0.003t, तो V0 से 10 इज वॉट एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन टाइम 10 पे जो पैसा उसको जीरो पे ला रहे हैं 0.09 माइनस 0.003t dt, ठीक है। क्या आ रहा है देखो बेटा 0.09 माइनस 0.003t, ठीक है ना, हाँ या ना, ठीक है। एक्सपोनेंशियल माइनस 0.09 इंटू वॉट, इंटू वॉट बोलो मुझसे, इंटू 10 माइनस 0.003/2 इंटू वॉट 100। अपने को यह भी निकालना पड़ेगा वी 10 से 11 ई टू दी पावर माइनस क्या आ जाएगा 0.10 से 11, 10 के बाद में फोर्स ऑफ इंटरेस्ट क्या है चेक करो, कंफ्यूज मत हो, 10 के बाद में फोर्स ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 0.06। तो ये हो गया अपने एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर, अपने को निकालना है V0 से 11, अपने करेंगे ई टू दी, वेरी गुड, वो खाली एक लाइन बोल दिया, इनटू माइनस 0.0015 इंटू 100, फाइनल बताइए क्या आ रहा है। अब ये क्या करेंगे, जो प्रेजेंट वैल्यू आया है टाइम 11 पे उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जो टाइम 11 पे, अगर मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है टाइम 0 पे तो क्या करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू जो आया है टाइम 11 पे इसको मल्टीप्लाई करूंगा वी 0 टू 11 से, चलो करके बताओ कितना आ रहा है। टफ लग गया तुम लोग को, कहां पर प्लस होगा, हाँ प्लस ही तो लिखा है, तुमको क्या दिख रहा है देखो एक बार, एक बार देखो प्लस लिखा है कि माइनस लिखा है, देख लो तुम, प्लस लिखा है कि माइनस लिखा है तुम देख लो, नींद आ रहा है,
बुला रही है तुमको वो। अच्छा नीचे तुम कर दिए थे फ्लैश अभी, अब तो ठीक है। हाँ नहीं एक सेकेंड, ये तो 10 से 11 का लिखा है ना मैंने, कहां पर? ये तो सब मिला के आया ना, एक से मेरा बात सुनो, आई कैन डन, एक बार एक से पहले सुन लो फिर तुम बोलना। ये जो आया है ये सब करके आया, ये अपना आया प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 11, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या निकाला, 0 से 10 मैंने निकाला, तो 0 से 10 आपका कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है पहले मेरे को ये बताओ, 0 से 10 का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या आ रहा है पहले ये बताओ। ऐ सब लोग कैलकुलेट करेगा, ई टू द पावर माइनस, एक मिनट, यही आ रहा है क्या सबका, e टू दी पर माइनस 0.75 आ रहा है क्या, चेक करो तो फटाफट। हाँ ठीक है, अब ये हो गया 10 से 11 का, ये हो गया। अब अपने जब कर रहे हैं तो अपने इसको ऐसे कर रहे हैं, अब अपना क्या आ रहा है, माइनस 0.81 आएगा क्या टोटल, माइनस 0.75 और माइनस 0.06, माइनस 0.81 आ रहा है। ऐड कहां से हो जाएगा भैया, तो 40 पॉइंट जो भी आ रहा है इनटू ई टू द पावर माइनस 0.81, क्लियर है, सॉल्व करो इसको। एक क्वेश्चन अगर बना दिया ना भाई फिर बाकी सब यू बनेगा यू। भाई टाना टू नहीं है, कंफ्यूज होने से नहीं होगा, टाना टू नहीं है, इसलिए ब्रेक कर करके करा रहा हूं। हम कहां से ऊपर जाएंगे भैया, अभी बहुत रुपए कमाना है। जाए मेरे दुश्मन, ऐसे दुश्मन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। कितना आ रहा फाइनल, 0. नहीं नहीं फाइनल बताओ ना यार, 40 से वो जो आया ना प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 11, उसको मल्टीप्लाई करो आप पहले उस पे, 0.197898, जो आया प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 11 उसको 11 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 0, कितना आ रहा है बताइए फाइनल ना, 40 into ये थोड़ी आएगा यार। हाँ कितना आ रहा है बताओ, 18.003। हाँ देखो अपना जो आया प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 11 वो आया 40.46, इसको अपने को मल्टीप्लाई करना है, इस चीज को अपने को मल्टीप्लाई करना है डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर 11 इयर्स से। अपना डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर 11 इयर्स क्या आ रहा है, ई टू द पावर माइनस 0.81, कितना आ रहा है फाइनल सबका, आ रहा है 18 point something, तुम्हारा 40 point something आया। हाँ ये बहुत लोगों का 17 point, ई टू द पावर माइनस 0.81 कितना आ रहा है। हाँ तो फिर उसको मल्टीप्लाई, राउंडिंग एरर हो रहा है मेरे को लग रहा है, मैंने 18 के आसपास आएगा, 18 के आसपास आना चाहिए आपका आंसर।
ठीक है, 18 के आसपास आ रहा है? हाँ बोलो, हाँ कि ना। आया क्या? हाँ चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। डेल्टा टी अपने को दे दिया है 0.1 माइनस 0.005 टी व्हेन टी इज लेस देन 6 एंड 0.07 व्हेन टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, अपने को ए दे दिया है 12, बी दे दिया है 15, और क्या चाहिए? रोटी चाहिए ना। रोटी अपने को दिया है 50 ई टू द पावर 0.05 टी, ये अपने को रोटी दिया है। कहां से कहां जाना है? 12 से 15, बट अपने को निकालना है प्रेजेंट वैल्यू। या फिर छोड़ो, प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकालेंगे हम लोग, निकालेंगे अक्यूमुलेट? नहीं नहीं, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू में झोल ज्यादा है। प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे टाइम जीरो पे, ठीक है, सेवा भाव से करेंगे क्वेश्चन को। पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे फिर अक्यूमुलेटेड, बेटा आईपैड को उधर रख दो ना। प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे फिर अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालेंगे और फिर हम लोग आज के क्लास को करेंगे समाप्त। ठीक है, आइए चलो भैया करते हैं क्लास को चालू। तो अपने को क्या बोला है, 12 से 15 तक पेमेंट हो रहा है, कंटिन्यूअस पेमेंट स्ट्रीम दे दिया है 50 ई टू द पावर 0.05 टी। डेल्टा टी अपने को दे दिया 6 से पहले और 6 या फिर 6 से ज्यादा। अपने को टाइम जीरो पे प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोला है, हाँ कि ना? चलो आओ, अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालना है टाइम जीरो पे। मेरा बात सुनो, जीरो पे डायरेक्ट नहीं निकल सकता, जीरो पे डायरेक्ट नहीं निकल सकता, पहले जहां से जहां तक पेमेंट हो रहा है वहां से वहां तक का काम करेंगे। ठीक है, चलो आओ। तो क्या करेंगे, पहले प्रेजेंट वैल्यू कहां निकालेंगे जल्दी बताइए। वेरी गुड, ये पहला चेक हो गया कि लोग सुन रहे हैं। ठीक है, तो रोटी दिया है 50 ई टू द पावर 0.05 टी एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन माइनस टाइम टी पर जो पेमेंट हो रहा है उसको 12 पे लाएंगे 0.07 डीएस होल इनटू डीटी, और यहां पर इंटीग्रेशन में आएगा क्या बताओ, 12 से 15। ये अपना इक्वेशन बन गया, इसमें किसी को भी दिक्कत, कोई भी डाउट? चलो आओ अब इसको सॉल्व करेंगे। 50 आ जाएगा बाहर, 12 से 15 ई टू द पावर 0.05 टी ई टू द पावर माइनस 0.07 है ना, डीएस का क्या हो जाएगा? अरे एक्सपोनेंशियल है तो ई टू द पावर माइनस 0.07 बाहर, तो डीएस का क्या हो जाएगा, एस, और उसके जगह में क्या बैठेगा, टी माइनस 12 डीटी। उसके बाद में अपने क्या करेंगे, उसके बाद में अपने क्या करेंगे, 50 ठीक है 12 से 15 ई टू द पावर माइनस 0.02 टी ई टू द पावर 0.07 इंटू 12 डीटी। यस और नो? यस और नो? 50 इंटू ई टू द पावर 0.07 इंटू 12, इंटीग्रेशन करेंगे 12 से 15 e टू द पावर माइनस 0.02 टी डीटी, हाँ कि ना? बोलो ना। ठीक है, ये वाला हुआ। अब इसके बाद में 50 e टू द पावर 0.07 इंटू 12 e टू द पावर माइनस 0.02 टी बाय माइनस 0.02, इस पूरा चीज पे वैल्यू बैठेगा 12 से 15। नेट में कर देंगे कि अलग अलग करेंगे? अलग अलग करेंगे। वेरी गुड, ठीक है, तो इसको अपने क्या करेंगे, 50
ई टू द पावर 0.07 इनटू 12 बाय माइनस 0.02, ठीक है, ई टू द पावर माइनस 0.02 इनटू 15 माइनस ई टू द पावर माइनस 0.02 इनटू 12। अब इस पूरे चीज को सॉल्व करके आंसर निकालिए, जितना भी तकलीफ होगा पहला बार होगा, तकलीफ चला जाएगा, नॉलेज रह जाएगा, ये बात याद रखना। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन कितना जल्दी हो गया। कितना आ रहा भाइयों और बहनों, सॉरी भाइयों और उनकी बहनों, जल्दी बताओ। ये आ गया आपका 12 पे। अब अपने को क्या निकालना है, 12 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक है ना। तो अपने 6 पे ब्रेक कर रहे हैं, 6 पे ब्रेक कर रहे हैं ना, तो 0 से 6 और 6 से 12, चलो अलग अलग करके करेंगे, तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को बनाएंगे तो पार्ट नंबर मिलेगा अपने को। वी 0 से 6 इंटू वी 6 से 12 तो क्या आएगा बताइए, एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन, टाइम 6 पे जो पैसा है इसको 0 पे ला रहे हैं। फंक्शन क्या दिया हुआ है अपने को, 0.1 माइनस 0.0050, होल थिंग इंटू dt, ये पूरा चीज इंटू ई टू दी पावर माइनस 6 इंटू क्या होगा, जल्दी बताओ कितना दिया हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलता ही नहीं है तुम लोग, कोई अजीब टाइप का है, 6 इंटू क्या होगा, अरे 6 के बाद फोर्स ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6 के बाद में टाइम 6 के बाद में फोर्स ऑफ इंटरेस्ट कितना है, हाँ 0.07। तो जहां पर फोर्स ऑफ इंटरेस्ट कॉन्स्टेंट है वहां पर तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना, वहां पर तो इंटीग्रेशन का दरकार नहीं है अपने को। तो पहला 6 साल का, उसके बाद वाले का, इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस 0.1 इंटू क्या होगा बताओ मुझे, 6, फिर आएगा प्लस 0.005 बाय 2 इंटू 36, फिर ई टू दी पावर माइनस 7, 6, 42, तो 0.42। अब इस पूरा चीज को सॉल्व करो, पहले ये पूरा चीज को सॉल्व करके क्या क्वेश्चन खत्म हो गया, क्या क्या करेंगे, टाइम 12 पे जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको 12 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम 0 का प्रेजेंट वैल्यू आएगा, हाँ कि ना, चलो सॉल्व कर लो इसको, चलो सॉल्व कर लीजिए इसको। ऑनलाइन में सब कुछ ठीक है, हाँ कि ना, इक्कीस अक्टूबर से 27 अक्टूबर कुछ भी मत रखना, ठीक है, कब से कब होता है, टाइम क्या होता है पेपर देने का, पेपर देने का टाइम क्या होता है, सुबह ही होगा ना भाई, अरे 6 बजे शाम को थोड़ी पेपर देगा, तो फिर मिड सेम है ना, तो अभी से पढ़ो, डेट्स लिख लो हाँ अपना उसमें, मिस कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं टिकट बना चुका हूं 21 से 27 मंडे को आऊंगा, संडे को जाऊंगा, 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर, क्या चीज, घर, आपका घर कहाँ है,
27 से है ना बेटा? मेरा बात सुनो, उस समय मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं उस समय जो आऊंगा, यही तो बात है ना, दिवाली कितना तारीख का पहले ये सोचो, 31st या फिर 1 तारीख का दिवाली है, एंजॉयमेंट है 3 दिन का, एंजॉयमेंट है 3 दिन का, फिर भी अगर आपको स्ट्रेच करना है तो आप उस तरफ करो, 21st से 27 कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? 21st से 27 कोई 7 दिन कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। हम लोग उस समय कंटिंजेंसीज का बेसिक्स करेंगे, ठीक है? मेरी बात ध्यान से समझ लेना, वो 7 क्लास जो कर लिया और ये वाला जो भी करा रहा हूं वो कर लिया, वो उसका डन है, ज्यादा नहीं कराऊंगा, 7 दिन 7 क्लास बस, सैटरडे संडे ज्यादा ज्यादा पढ़ाऊंगा 4-4 घंटा, ठीक है? 4-4 8 घंटा वहां हुआ और इधर पढ़ाऊंगा 12 घंटा 5 दिन में, ठीक है? ये 20 घंटा सबको करना है, ये 20 घंटा जो किया, फिर पूरा कंटिंजेंसीज में डाउट्स आया तो तुरंत फोन करना, नहीं आएगा, नहीं आ नहीं सकता है, ये आप समझो CM1 का स्ट्रक्चर ऐसा ही है, ठीक है? फिर उसके बाद आप ऑनलाइन करो, आप घर से करो, आप यहां से करो, मेरे को नहीं उतना मतलब है, क्योंकि मेरे को पता आई हैव डन माय वर्क, वो कोई भी कुछ भी हो, मिड सेम है तो अभी से पढ़ाई करो, दिस इज प्लानिंग। आज घर पे शादी होगा और ऑफिस होगा, ऑफिस का क्वार्टर एंड होगा, तो क्या आप क्या करोगे? आप ऐसे सिचुएशन में अपने आपको डाल के देखो ना, अभी आप बोल रहे हो कि हाँ मेरा मिड सेम है, मेरा उस समय ऑफिस में होगा और आपका फैमिली का कोई भी कोई फंक्शन है, आप बोलोगे नहीं यार मेरा ऑफिस है, क्योंकि वहां आपको पता है यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो इसको भी ऐसे ही ट्रीट करो, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, ठीक है? तो बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, एंड तक कौन टिका रहेगा वही जीतता है, 10 में 2 वाला बात हमेशा याद रखना, 4 जन तो अपना प्रॉब्लम अभी बता दिए तो वो 4 जन तो ऐसे ही छट गए, ठीक है ना? फोकस फोकस ऐसा नहीं है भाई, फोकस मतलब लेजर फोकस, इतना इजी नहीं है, एंड आई एम ट्रेवलिंग 2000 किलोमीटर्स, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हो, ठीक है? एंड उसके बाद में ट्रस्ट मी, जब मैं हो सकता है मैं बीच में भी 2-3 दिन के लिए आऊं, नवंबर में आऊं, नहीं आऊं, उस समय इट्स टोटली मैनेजेबल, जब डाउट्स करा रहा हूं आपको है, आप आओ सुनो, दैट्स फाइन, बट ये जो क्लास है ना अभी वाला 24 तक, इसलिए 24 को टेस्ट है, उस समय भी 27 को टेस्ट होगा, सिंपल है एकदम, बहुत सिंपल है, 27 को टेस्टिंग होगा, मैं बता के जाऊंगा कि आपका हुआ कि आप नहीं हुआ, आप 7 दिन क्लास में सुने कि आप नहीं सुने, कंटिंजेंसीज का बेसिक्स है, एंड आई ऑलरेडी मेड द टिकट, तो मिड सेम है एंड सेम है जो भी होगा, शाम को 6 बजे तो नहीं होगा ना, तो वो 6 से 9 का टाइम मेरा है, उसमें कुछ नहीं हो सकता है, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है? और सैटरडे संडे जो है वो 10 से 1 का टाइम मेरा है। संडे को मेट्रो कितना बजे खुलता है? संडे को जल्दी खुल जाता है ना, तो सुबह मतलब 5 घंटे में पढ़ाऊंगा, तो वो 20 घंटा मेरा है, तो क्या हुआ? दिमाग क्यों खराब हो गया? धीरे धीरे आएगा पेशेंस, ठीक है? वो 7 डेज, हाँ बोलो, वो समझाऊंगा, पहले बताओ, ठीक है ना? ये मैं समझा दिया आप लोग को, अभी डेट्स भी बता दिया, ठीक है? देखो अब इसमें जैसे क्या है, अपने सबसे पहले ये निकाल रहे हैं, ये क्या है, डिस्काउंटिंग फैक्टर कहां से कहां तक का, 0 से 6 का, तो 6 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर है, और ये 6 से 12 का है, तो ये टोटल कितना हो गया 0 से 12 का, अब प्रेजेंट वैल्यू टाइम 12 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 0, वही करना है, करो। सो अपने बेसिकली क्या इक्वेशन बना रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू अपने को निकालना है टाइम 0 पे, तो अपने कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू टाइम 12 पे इंटू वी 0 से 6 इंटू वी 6 से 12, ठीक है?
बोलो हाँ कि ना। आया कितना आ रहा है आंसर? 104.66। ठीक है, इसी सम में एक लास्ट करेंगे फिर घर जाएंगे। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना है इसमें, सेम सम है, मैं बस खाली आपको बोल रहा हूं आपको अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है टाइम 20 पे, अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है टाइम 20 पे। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले कच्चा सामान, मैगी जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले कच्चा सामान रेडी करेंगे, सब्जी काटेंगे, अदरक काटेंगे और मसाला का पैकेट, मैगी लाना, पानी, सब कच्चा सामान बन रेडी। तो इसमें कच्चा सामान क्या है कोई बता सकता है? ए 15 से 20, ये इसका कच्चा सामान है, क्योंकि अपने को मिलेगा कहां, 12 से 15 है ना, तो अपने को एवी कहां मिलेगा, 15 पे, फिर 15 पे जो एवी है उसको अपने को 20 पे लेके जाना है, समझा? तो ए 15 से 20, अब 6 के बाद में रेट क्या है, 7 का, 7 का रेट है तो 5 साल के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये कितना आ रहा है, ई टू दी पावर 0.35 आ रहा है। हाँ, अब कुछ भी नहीं है, देखो 12 से 15 रोटी कितना है अपना, अपना रोटी कितना है 50 ई टू दी पावर 0.05 टी एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन क्या होगा जल्दी बताओ, टाइम टी पर माइनस क्यों होगा, यही देखा यहां फंसी तुम, समझा? अटेंशन, फोकस। अरे प्रॉब्लम कोर्स का नहीं है, 11 12 में मैथ्स का बेस हल्का हिला हुआ है, ये प्रॉब्लम है, कोर्स इज नॉट डिफिकल्ट, बेसिक चीज करा रहे हैं, इंटीग्रेशन ही तो करा रहे हैं, इंटीग्रेशन को कैसे प्रैक्टिकल में यूज करते वही तो करा रहे हैं, यही बोल के एडमिशन लिए थे कि इंटीग्रेशन का मतलब समझाएंगे प्रैक्टिकल में, वही करा रहे हैं। टाइम टी पर जो पेमेंट है वो कहां जाएगा, 15 पे, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.07 डीएस होल इनटू डीटी, तो 50 आ जाएगा बाहर, ई टू द पावर ये 12 से 15 हुआ 0.05 टी, ई टू द पावर 0.07 बाहर क्या आएगा एस, फिर आएगा 15 माइनस टी। अभी नेट में क्यों कर पाए, अभी नेट में क्यों कर पाए जल्दी बताइए, देखो तुम लोग का ऐसा नजर लगा पन्ना खत्म हो गया मेरा, इसके बाद तुम लोग सब बोले बस भाई पन्ना भी खत्म हो गया अब तो। ठीक है, तो ये एक स्टेप और लास्ट का लिख दे रहा हूं, अब तुम लोग सॉल्व करेगा, 50 ई टू द पावर 0.07 इनटू 15 है ना, और यहां पर आएगा 12 से 15 ई टू द पावर माइनस 0.02 टी डीटी, यही आएगा ना, प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल रहे बेटा, अक्यूमुलेटेड वैल्यू है, तुम देखो एक्सपोनेंशियल के बाद में माइनस तो नहीं है, एक्सपोनेंशियल के बाद में माइनस होगा तो निकाल रहे हैं ना, ये अपने निकाल रहे हैं अक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टाइम 15, जो अपना पेमेंट था रोटी का सब लोग सुनेगा, हड़बड़ी नहीं करेगा, करियर बना रहे अपना, ये रोटी है ठीक है, इसको अपने क्या कर रहे हैं टाइम टी पे जो पेमेंट हो रहा है उसको 15 पे लेके जा रहे हैं, तो ये क्या है अक्यूमुलेशन फैक्टर फ्रॉम टाइम टी टू टाइम 15, ऐसा एक पेमेंट हो रहा है ना बहुत हो रहा है अलग अलग टाइम पे हो रहा है, इसीलिए सबका पहले अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकाले और फिर सबको सम किए डिस्क्रीट रेंज में कि कंटिन्यूअस रेंज में, इसलिए कि इंटीग्रेशन 12 से 15 डीटी, कितना मुश्किल है बात समझना, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्या सम खत्म हो गया, नहीं, क्या निकला एवी 15 में और ऊपर में क्या था ई टू द पावर 0.35, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एवी 20 पे आएगा, निकालो और जाओ, पहले निकालो, मन तुम लोग का बहुत चंचल है, कितना आ रहा बेटा 3090. ये फाइनल बोल रहे हैं कि 15, अच्छा फाइनल बोल रहे हैं, एक मिनट,
ये मैं बॉक्स में लिख देता हूं। हाँ बोलो 30। ऑनलाइन में बताइए कितना आ रहा है, बाकी लोग का नहीं तो तब तुम जा सकती हो, क्योंकि बाकी लोग का सबका सही है, तुम्हारा गलत हुआ तो। दो मिनट दो मिनट बस, ये लोग नहीं रुकेगा। कैलकुलेटर पता नहीं मेरे से बात नहीं हुई। कितना आ रहा भैया जी बताइए। बोलिए मैडम कितना आ रहा है, देखा उसका कुछ और आ रहा है, बाकी लोगों का कितना कितना आ रहा है। हाँ फाइनल आंसर कितना आ रहा है, लो लो कितना आ रहा है, 464 इज द करेक्ट आंसर। एट फोर सिक्सटी फोर इज द करेक्ट आंसर। सबका आ रहा है, कल हम लोग पढ़ेंगे लेवल एंड मिटी। धन्यवाद आज के लिए। हाँ बोलिए जी रिहान राज। आप ये जो सब करा रहे हैं सर, इसका एक्सरसाइज या प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ से करें सर? अभी मैं जो करा रहा हूँ ना भाई, ये आज यूट्यूब पे जाएगा, तू बस खाली इसी वीडियो को 10 बार देख, अभी खाली इसको बार बार करते जा, और कुछ नहीं करना है।